हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ओडिया भाई मैंने केमिति अच्छा काट रही है यार, जबरदस्त पगली। 3 दिन पहले बहुत गंदा सिचुएशन एक हुआ मेरे साथ। क्या हुआ? एक जर्मन स्पीच डॉग, नियर अबाउट 5 to 7 years का होगा, उसको कोई एनएच के पास में खुला ऐसे छोड़ के चले गया। उसका बाउल, उसका बेड और उसका एक टॉय वहाँ पे रख के छोड़ के चले गया। एनएच के बीच में जो प्लांट्स लगा है, इधर उधर पार्टीशन हुआ है, वहीं पे छोड़ के गया। अबे यार पगली, तो बहुत गंदा सिचुएशन है। पाल नहीं सकते तो खरीदो मत, परचेज मत करो, एडॉप्ट मत करो। रखना नहीं है तो प्रॉपर जगह में किसी को दो, रेस्क्यूअर को दो। कोई पाल नहीं पा रहा है, खरीदने का मन है, वैसा लड़का किसी को दे दो। लेकिन ऐसे एनएच के पास में छोड़ना नहीं चाहिए। और उसके बाद वहाँ से मेरे को फोन आया, बाकी क्या हुआ बता रहा हूँ। Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. Perfect, Hollywood perfect. ऐसे जानवर नहीं पालना चाहिए। जिसको पाल नहीं पाओगे खरीदो ही नहीं, परचेज ही मत करो। पाल पाओगे, केयर ले पाओगे तो रखो। तो क्या हुआ, मेरे को फोन आया वहां से। फिर मैं गया वहां, तो कुछ गैरेज के आदमी लोग वहां पे उसको लेने का कोशिश किया है, फिर जाके उसको पकड़ने का अटेम्प्ट लिया है, तो वो डर के भाग गया, वो जर्मन स्पीच। फिर क्या हुआ, तो मेरे मौसी को वो नियर बाय कुछ आदमी लोग जानते थे, वो रेस्क्यू करते हैं बोल के, तो उनको फ़ोन किए, फिर वो मेरे को फ़ोन किए। फिर वहाँ पे पहुँचा मैं। पहुँचने के बाद देख रहा हूँ उसका स्पाइनल कॉर्ड के पास में बहुत ज़बरदस्त घाव हुआ है, बहुत बड़ा घाव हुआ है, और उसके वजह से वहाँ पे मैगेट्स हो गए हैं, कीड़ा हो गया था। और फिर वो डॉग मतलब उसको बहुत बदबू मार रहा था वहाँ पे, तो उसको कोई भी अप्रोच कर रहा है, फिर देख रहा है घाव, फिर छोड़ के चले जा रहे हैं। तो फिर मैं क्या किया, और मेरी मौसी मैं, हम लोग उसको वहाँ से ले गए उनके घर में, पहले लेके वहाँ पे रखे उसको, कुछ खाना और पानी दिए, खाया थोड़ा, उसके बाद पानी पिया, बहुत पानी पी दिया, प्यासा था। उसका ओनर छोड़ के गया था, वो कार के पीछे दौड़ते हुए गया, लेकिन लिया नहीं, वहीं पे छोड़ के चले गया। उसका टॉय, बाउल और बेड छोड़ के गया था वहाँ पे। परचेज ही नहीं करना चाहिए। फिर उसको हम लोग एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए, मैगेट्स साफ किए, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी का आता है स्प्रे करके मेडिसिन, और हाथ से भी कुछ कुछ मैगेट्स निकाले, साफ किए, और 3 दिन एंटीबायोटिक दिया गया, क्योर हो रहा है, ठीक हो रहा है। और फिर क्या किया, थोड़ा इंक्वायरी किया मैं किसके किसके पास, छोटा जगह है तो पता चल जाएगा, यहाँ नियर बाय कोई अगर छोड़ा है तो पता चल जाएगा, तो किसके पास है मैं पता किया। फिर उसके बाद क्या किया ना, मेरी मौसी को लेके उनके घर गया, तो पूछा आपका डॉग कहाँ है। नहीं, वो ऐसा है वैसा है, वो उसको ले गया एक आदमी। फिर मैं उनका कार देख के मार्क किया, फिर पूछा वहाँ का आदमी लोग, सफ़ेद कार था क्या, कैसे था, स्विफ्ट था कि क्या था, पूछ के कंफर्म हो गया उन्हीं का ये। तो फिर मैं फोटो वीडियो दिखाया, ये डॉग आपका नहीं है। फिर उसका नाम रखे थे उन लोग टीपू, हाँ तो टीपू आपका है, तो वो बोल रहे हाँ टीपू हम लोगों का है। उसके बाद थोड़ा मेरे मौसी उनको बहुत डांटी, तो केयर लो यार, ट्रीटमेंट करो, नहीं सह रहे हो तो खरीदो ही मत, अगर खरीदो तो बीच में ऐसे छोड़ के मत जाओ यार, डॉग मत पालो, बहुत गलत है, बहुत गलत है। जानवर जो भी छोटा पपी आता है फैमिली सोच के रहता है यार, फैमिली, आप लोग फैमिली हो उसका, और आप ही लोग छोड़ दोगे तो कैसे होगा। केयर ले नहीं पा रहे हो, जोश में खरीद लिए हो, कोई डॉग का एक्सपर्ट से बात करो, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ो,
पता करो कैसे उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ले लिए हो तो केयर लो भाई, नहीं तो सही आदमी को दो। ऐसे रास्ते में छोड़ के जा रहे हो, बहुत दिल टूट गया। फिर उनको डांट के उनके पास में छोड़े हैं। 3 दिन तक हम लोग केयरिंग करने के बाद, उसके बाद ओनर का जब पता चला, उनके घर में छोड़ के आए हैं। और हर 2 दिन में इंक्वायरी कर रहे हैं, जाके देख रहा हूँ कैसे है क्या है। और उनका बेटा को ज़बरदस्त पूरा डांटे मेरे मौसी, और मैं भी समझा दिया हूँ भाई ये ठीक नहीं है, और हम लोग आएंगे ज़रूर इंक्वायरी करेंगे, ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होता। और किसी को दे दूंगा सोच रहा था, या खुद रखते तो अलग बात है, वही रखेंगे वही केयर लेंगे, खरीदे क्यों है। और मैं जाऊंगा देखूंगा, वो ठीक हो जाएगा उसके बाद अगर नहीं चाहते तो और किसी को दे दूंगा, लेकिन वहीं पे हम लोग चेक भी करेंगे, हम लोगों का खर्चा हुआ चलेगा नो प्रॉब्लम, बाकी वो भी केयर लेंगे, वो भी खर्चा करना चाहिए। यही है स्टोरी। और बाकी मूड ऑफ हो गया था ऐसा सीन देख के, और इसको थोड़ा ऐसे टाइम पास आप लोग देखेंगे बात करते करते, इसीलिए पकड़ा था। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल, में बहुत सारे एक्जोटिक पेट्स रिलेटेड वीडियोस है। और जो जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ जो बेल आइकन है सब्सक्राइब बटन के साइड में, बेल आइकन ऑल वीडियोस में नोटिफिकेशन आपको जाएगा, अगर देखना चाहते हैं तो देख पाएंगे, पता नहीं चलता है। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स, बहुत सारे जिनको पता नहीं है तो वो खाली सब्सक्राइब करते हैं, उसमें आता नहीं है ज़्यादा, लेटेस्ट वीडियोस नहीं आता है, यूट्यूब जो स्क्रॉल करेगा वही आता है। और पहले से मैं ओडिया में वीडियो बनाता था और अभी हिंदी में बना रहा हूँ, तो देखिए अभी हिंदी में भी चल रहा है, ओडिया हिंदी, ओडिया भाई माने। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके देन, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।